हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास ऑफ इंग्लिश ऑफ 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम. द नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक इज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, और फर्स्ट फ्लाइट का दूसरा चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है हमारा, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. सो एज आई एम फ्रीक्वेंटली टेलिंग यू दैट यू शुड कीप योर टेक्स्ट बुक इन योर हैंड अलॉन्ग विद द पेंसिल, इफ पॉसिबल द नोटबुक ऑल्सो. So, when and whenever you find it necessary, you can make the notes in your notebook. And you should also underline the important phrases, the clauses, and the difficult words also in your textbook. Okay? So, हमारे इस textbook के दूसरे chapter का नाम है, as you can see on the board, the second chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. That's the title of the second chapter. Okay, and the author's name is Nelson Mandela. यहाँ पे author का मतलब है कि actually, see in the context of this lesson, हमें ये समझना है कि Nelson Mandela ने ये lesson लिखा नहीं है. This is basically the extract of his speech, which he delivered in the capital city of South Africa. Okay, or especially. Because this was the oath-taking ceremony when he became the president of South Africa, तो के oath-taking ceremony में उन्होंने जो भाषण दिया था, जो address public address किया था, उसका ये एक extract, right? And it's obviously the name of an autobiography also, the Long Walk to Freedom. As you can see, Long Walk to Freedom is the name of an autobiography which has also been written by Nelson Mandela. ठीक है, तो लेसन का डिस्कशन डिटेल में करने से पहले मैं आपको बता दूं नेल्सन मंडेला के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. His life tenure was 1918 to 2013. यानी 1918 में उनका जन्म हुआ था और 2013 में उनका डेथ हुआ था. ओके, and his life was full of struggle, right? Firstly, we need to understand that he has been credited of being the first black president of South Africa. Okay, जिसे हमारा country जो है वो white rule के अंडर में था. Okay, and we acquired the freedom in 1947. Similarly, South Africa, which is one of the major countries of African continent, वो भी white rule के अंडर में था. और उनको भी स्वतंत्रता पाने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए उनको भी संघर्ष करना पड़ा काफी सालों तक. लेकिन उनका संघर्ष जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का था. हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके मुकाबले साउथ अफ्रीकन फ्रीडम स्ट्रगल है, दैट वाज एंटायरली डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज़ व्हेन द वाइट रूल वाज प्रिवेलिंग इन साउथ अफ्रीका, एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हैड प्रोपगेटेड द inhuman practice of discrimination or apartheid against the original community of South Africa, that is black people. तो वहाँ पे रहने वाले जो black people हैं, उनके सामने एक inhuman practice उन्होंने शुरू किया था, okay? जिसको हम शुद्ध हिंदी में रंगभेद का जो propaganda है, उसको हम कह सकते हैं कि skin color के हिसाब से discrimination रखना, उसको हम अपार्थाइड भी कह सकते हैं. ठीक है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपने इसका जो ग्लॉसरी है वो देखा ही होगा. सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा था अपार्थाइड. सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड इज कीपिंग डिफरेंसेस बिटवीन द कम्युनिटी बेस्ड ऑन द स्किन कलर, राइट? तो कुछ इस तरह का फ्रीडम स्ट्रगल साउथ अफ्रीका का था कि वाइट रूल से मुक्ति पाने के लिए तो वो संघर्ष कर ही रहे थे, बट एट द सेम टाइम they were also trying to be free from the clutches of the white people who were responsible of keeping skin discrimination, discrimination between the communities. और black people हैं, उन लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, वो लोग कोई खास गिनते नहीं थे black communities को. और history में ये भी observe किया गया है, so many black people were regarded as slaves to the white people. तो literally उनको as a slaves market में उनको बेचा जाता था, उनको खरीदा भी जाता था. ये इस तरह का एक बहुत ही dark chapter है history में,
डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट. एंड इन केस इफ वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके नाम से क्रेडिट है कि लाइक ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड प्रिसाइजली बिटवीन द ईयर्स 1994 टू 1999, 5 सालों तक वो ब्लैक प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रहे थे. तो ये उनका एक बहुत ही बड़ा सा अचीवमेंट था बिकॉज सिंस चाइल्डहुड टिल ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ही हैड सीन द ब्लैक community, his own community suffering badly at the hands of white people in terms of apartheid, right? So this was a big achievement as he regards in the beginning of his speech. A particular speech jo hai, okay, wo unhone diya tha Pretoria mein. Pretoria is the capital city of South Africa, and on the occasion when he became the president of South Africa, he delivered the speech. And he regarded as a kind of a big achievement of the South African people, the black community himself, and it was also the victory of the mankind for being successful in fighting against the racial discrimination propagated by the white people. So that was the first point that he highlighted during his speech. And another thing is that during his speech, he welcomed all the dignitaries who came across from the entire world, all the politicians, political leaders, presidents, vice presidents, or prime ministers of from different countries. उन सब का वो बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं. साथ में साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छे खासे बड़े नंबर में वहाँ पे प्रजा जो है वो इकट्ठा हुई है, उनका भी वो अभिवादन करते हैं और अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल जो है जो सालों तक चला था उसको वो याद करते हैं. ओके. एंड व्हाइल रिमेम्बरिंग ही आल्सो बिकेम अ काइंड ऑफ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. उनके कम्युनिटी के ग्रेट लीडर्स उनको भी वो याद करते हैं, प्लस खुद के बारे में भी वो ये बताते हैं कि ही वाज बेसिकली द सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीडम फाइटर्स हु हैड fought against the British rule, against the white rule before him. क्योंकि उनके बदौलत ही उन्होंने skin discrimination या apartheid के सामने लड़ने का सीखा था, और उन्हीं freedom fighters का वो sum total है, वैसा वो अपने आप को बताते हैं. Okay? तो जैसे मैंने आपको बताया कि long form of freedom की सारी बातें जो है उनकी एक book है, book के form में उनकी आत्मकथा में ऑटोबायोग्राफी में ये सारी बातें लिखी गई है बहुत ही डिटेल में. एंड इतना डिस्कशन के बाद अगर हमें नेल्सन मंडेला का इंट्रोडक्शन देना है तो हम कुछ यूं उनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड एट द सेम टाइम ही वाज एन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी. प्रेसिडेंट तो वो बाद में बने लेकिन उनसे पहले वो क्या थे, तो ही वाज एन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी, राइट. तो स्किन डिस्क्रिमिनेशन के की जो बैड प्रैक्टिस है उनके सामने लड़ने वाले एक क्रांतिकारी थे वो थे नेल्सन मंडेला पहले. ओके. ही वाज आल्सो अ लीडर एंड अ फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट एक सोशल वर्कर होता है जो खास करके जो गरीब लोग, जो डाउनट्रोडन लोग हैं, उनकी हेल्प करने वाले जो लोग होते हैं उनको फिलैंथ्रोपिस्ट इंग्लिश में कहा जाता है. ओके. And as you can see, he was also the first black president of South Africa, whose tenure of serving as a president of South Africa was 1994 to 1999. Okay? And because of the reason that he had to fight against the inhuman practices propagated by the white people, he also had to join a political party. Okay? So later on he became a politician also. And later on, he also became the president of a political party when he joined. उन्होंने जो political party join किया था उसका नाम था African National Congress. और 20th century का last decade है. Precisely in case if I want to talk about, तो 1991 से लेकर 1999 तक वो African National Congress के president भी रहे, right? उनके जो main president होते हैं वो रहे.
And obviously, during that time only he became the president of South Africa. ठीक है, तो ये उनके गोल्डन पीरियड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आगे से आगे का जीवन जो है वो बहुत ही स्ट्रगल वाला था. ओके, आपको ये बात खास याद रखनी चाहिए कि बिकॉज ऑफ हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द रेवोल्यूशन अगेंस्ट द वाइट पीपल. ओके, काफी सारे लाइक हिंसा में भी वो इन्वॉल्व थे, और इसलिए जब वाइट रूल चल रहा था साउथ अफ्रीका में तब उनको जेल की सजा भी हुई थी, और लगातार 28 साल तक कंटिन्यूसली फॉर 28 इयर्स ही वाज पुट इनटू जेल, अ काइंड ऑफ अ डंजन, अ सेलर. ठीक है, जो काल कोठड़ी होती है जिसको हम कहते हैं ना, कि ऐसी जेल जहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं होता है, इंसान सामने वाले इंसान का चेहरा भी नहीं देख सकता है, वैसे वाली जेल में नेल्सन मंडेला लगातार 28 साल तक रहे थे. ठीक है, तो इन केस इफ वी वांट टू मेक कंपैरिजन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड दैट ऑफ इंडिया, ओके, देन एब्सोल्युटली देयर वाज देयर वर सम कॉमन पॉइंट्स, लेकिन वैसे देखा जाए तो काफी कुछ अलग था. हम यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर महात्मा गांधी को याद करते हैं, तो उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल का प्रोपेगेंडा एक ही था कि नॉन वायलेंस, जहां तक हो सके हमें वायलेंस नहीं करना है और नॉन वायलेंस से फ्रीडम पाना है. ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट वाज अ टोटली डिफरेंट थ्योरी वी आर टॉकिंग अबाउट, बट लाइक प्रैक्टिकली द सेम प्रोपेगेंडा कुड नॉट बी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इसलिए वहां पे वो नहीं हो सकता था. इसलिए नेल्सन मंडेला ने उस हिसाब से अपना फ्रीडम स्ट्रगल चलाया जिसमें काफी सारे हिंसा में भी वो इन्वॉल्व थे, और इसी लिए उनको इतनी लंबी सजा हुई थी. इनिशियली ही वाज गिवन द लाइफ इंप्रिजनमेंट. जब उनको सजा सुनाई गई तो लाइक वो जिसको बोलते हैं लाइफ सेंटेंस, यानी जीवन पर्यंत उनको जेल में रहना है, वैसा उनकी सजा थी. लेकिन इवेंचुअली एट इन द लास्ट डेकेड ओके ऑफ 20th सेंचुरी when South Africa was declared as a kind of free country and racial discrimination was practically stopped, at that time he was released and as a mark of respect he was made the president of African National Congress. Or African National Congress mein jo first ever democratic election hua usme unhone vijay prapt ki ye political party ne. तो क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, इसलिए बाय वर्चू ऑफ बीइंग द लीडर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आल्सो. ठीक है, तो ये सारा उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले का बैकग्राउंड है जिसमें बहुत सारा स्ट्रगल था उनकी लाइफ में, और उनकी यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक का बहुत अच्छा खासा समय उन्होंने जेल में बिताया था. ओके, and he regarded it as his primary responsibility. उनको जेल में जाने का इतना कोई दुख नहीं था, because he considered it as a primary responsibility toward his own nation, towards his own community, to serve the community as well as the nation. And that's why, okay, he told on one occasion, which I have written in the as a form of a quotation on the board. Okay, okay. Each man has two obligations. First, towards his family, and second one for his country. कि हर एक इंसान जो जन्म लेता है, उसके दो obligation होते हैं. ठीक है, दो ऐसे task होते हैं. Obligation को हम simple language में ऐसा समझेंगे. Obligation का मतलब कि दो ऐसे task होते हैं जो उसको करने ही होते हैं जब तक वो जिंदा रहता है तब तक. सबसे पहला उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने फैमिली की ओर है. ओके, ईच मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस, फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, सबसे पहला ऑब्लिगेशन उसके फैमिली की ओर है, एंड सेकेंड वन फॉर हिज कंट्री, दूसरा जो ऑब्लिगेशन है उसके उनके देश के प्रति होता है. तो शायद इसी ऑब्लिगेशन की वजह से हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने इस बात से कोई परहेज नहीं किया कि उनको जेल में जाना पड़े, तो उसका उनको दुख रहा. अनदर आउटस्टैंडिंग फीचर अबाउट नेल्सन मंडेलास पर्सनालिटी वाज, उनको मालूम था कि पूरा जीवन उनको
व्हाइट लोगों की ओर से अत्याचार सहना पड़ा है, बट स्टिल ही डिड नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ इल विल अगेंस्ट द व्हाइट पीपल. जो बदले की भावना होती है उसको इंग्लिश में हम इल विल कहते हैं, वो उन्होंने व्हाइट लोगों के सामने नहीं रखा. एग्जैक्टली सेम थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर. ओके, एंड ही क्लियरली मेंशंस इट ड्यूरिंग हिज स्पीच कि उनको जो व्हाइट जनरेशन है या व्हाइट कम्युनिटी है उनके सामने देयर इज नो इल विल अगेंस्ट देम, अगेंस्ट द व्हाइट पीपल. एंड दैट इज द रीजन व्हाई शायद आप लोगों को पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहां पे फ्रीडम मिलने के बाद भी व्हाइट कम्युनिटी जो है वो चली नहीं गई थी. देर आर थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ व्हाइट पीपल आर स्टिल स्टेइंग इन साउथ अफ्रीका एंड दे आर स्टिल एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स. ओके, तो उनको वहां पे रहने में कोई तकलीफ नहीं है. नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट बने थे तभी उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया था कि वर्ल्ड की कोई भी कम्युनिटी अगर यहाँ पे चाहे तो रह सकती है हमारे देश में. ऐसा कोई दुश्मनी का नाता जो है, ऐसा कोई इल विल जो है, रिवेंज की जो भावना है, बदले की भावना हम किसी के सामने नहीं रखेंगे. सो आई वुड कंसिडर इट एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ हिज पर्सनैलिटी फ्रॉम नेल्सन मंडेला. ओके, अनदर कोटेशन हम क्या दूसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन की यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों वो बदले की भावना नहीं रखते. वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही लॉजिकल सेंस में, बहुत ही फिलोसॉफिकल वे में, बट एट द सेम टाइम इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज ही हैज एक्सप्लेन्ड अस कि हमें किसी के सामने बदले की भावना क्यों नहीं रखनी चाहिए. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज दैट द ऑप्रेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ऑप्रेस्ड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ दीस टू वर्ड्स, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड. ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं. ऑप्रेसर वो होता है जो अत्याचार करता है और ऑप्रेस्ड वो होता है जो अत्याचार का सामना करता है. ठीक है, तो दोनों की हालत खराब है ये कहना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला. ऐसा नहीं है कि जो अत्याचार करता है वो बहुत ही खुशी से जी रहा है और जो अत्याचार सहता है बेचारे उसकी ही जिंदगी खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है. दोनों की जिंदगी खराब है. Why? किस तरह से? तो ड्यूरिंग द लेसन एज यू रीड द लेसन आपको ये देखने को मिलेगा कि उनका एक लॉजिकल रीजन है कि जो कोई भी इंसान अत्याचार गुजारता है सामने वाले के ऊपर तो उनके दिमाग में नफरत का एक भाव होता है. द फीलिंग ऑफ हेट्रेड, द फीलिंग ऑफ प्रेजुडाइस, द ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिविटी इज देयर इन हिज माइंड. तो वो खुद ये तीन प्रकार की जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो तीनों फीलिंग्स से वो बंद गया है, इसलिए उसके जीवन में उसको जो अच्छी चीज जो है वो जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज इन अ वे अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, अ प्रिजनर ऑफ प्रेजुडाइस. ओके, प्रेजुडाइस का मीनिंग भी मैंने आपको आगे वाले इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया था कि अनरीजनेबल मैनर में किसी को नफरत करना, बिना कोई वजह किसी को नफरत करना, उसको इंग्लिश में हम प्रेजुडाइस बोलते हैं. ठीक है, तो ये प्रेजुडाइस और हेट्रेड का जो भाव होता है ऑपरेसर के दिमाग में, उसकी वजह से वो खुद भी एक प्रिजनर है. ठीक है, क्योंकि उसको पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है. जब तक वो नफरत का फीलिंग वो खत्म नहीं करेगा तब तक उसको दुनिया में किसी भी इंसान में अच्छाई नहीं दिखने वाली है और उसका बुरा असर उसकी खुद की लाइफ में भी पड़ता है. दैट्स व्हाई ही इज आल्सो अ प्रिजनर. जो ऑप्रेस्ड है वो तो ऑब्वियसली अत्याचार का सामना कर रहा है, वो अत्याचार भुगत रहा है, इसलिए उसकी तो हालत खराब है ही. लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज हमें इस तरह से समझना है कि जो ऑप्रेस्ड है ही इज आल्सो द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडाइस. ओके, सो दैट्स व्हाट द सेकंड कोटेशन ऑफ नेल्सन मंडेला सेज. The oppressor is as much a prisoner as the oppressed. उनका जो next quotation है, okay, उसमें उन्होंने courage का definition समझाया है, जो practical life में हमें समझना बहुत ही जरूरी है. Courage यानी कि हिम्मत. Okay, हिम्मत यानी क्या होता है? जैसे
आप टीवी में बार बार ये ऐड देखते होंगे, माउंटेन ड्यू की एक ऐड आती है कि डर के आगे जीत है, ऐसा कोटेशन आता है बार बार। ओके, वो बात सही है कि डर के आगे जीत है, कि जो इंसान के मन में डर नहीं होता है, ठीक है, तो उसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उसने करेज के लाइक डर के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन इसी डेफिनेशन को अगर हमें ज्यादा एक्सपैंड करना है तो नेल्सन मंडेला ने यह समझाया है कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायंफ ओवर फियर। ओके, करेज का मतलब यह नहीं कि आपके दिमाग में डर नहीं है, आपके दिमाग में डर नहीं है इसलिए आप में बहुत हिम्मत है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन उस डर के ऊपर अगर आपने विजय प्राप्त की है तो उसका मतलब होता है कि आप में बहुत ही हिम्मत है, ठीक है। तो वंस अगेन द कोटेशन इज वेरी वेरी शॉर्ट बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी वेरी प्रिसाइज, वेरी मीनिंगफुल ऑल्सो, वेरी रीजनेबल, वेरी लॉजिकल ऑल्सो, दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायंफ ओवर फियर। That's what he explains about the meaning of courage in this lesson. और इसी की वजह से, यही courage शायद उनके अंदर था, और उसी की वजह से white operation या तो उनका जो bad practice था उनके सामने लड़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। उनको जेल में जाने से भी कोई इतना डर का जो एहसास है वो कोई महसूस नहीं हुआ, और वो बहुत ही हिम्मत के साथ वो जेल में भी गए, और जेल में अच्छा खासा लंबा टेन्योर, ऑलमोस्ट थ्री डेकेड्स ही स्पेंट इन द जेल। ओके, सो ऐसा इंसान जिन्होंने इस तरह का जीवन जिया है वही करेज का एक ट्रू डेफिनेशन हमें समझा सकता है। ओके, द नेक्स्ट कोटेशन एक्सप्लेन्स, उन्होंने यहां पे फ्रीडम का डेफिनेशन जो है वो क्लियर करने का कोशिश किया है। फ्रीडम बेसिकली क्या होता है, इंसान फ्री है ऐसा हम कब कह सकते हैं। सो ही एक्सप्लेन्स, वन मैन कैन बी फ्री इफ ही रिस्पेक्ट्स अनदर्स फ्रीडम विद सेम डिग्री एज ही डिजायर्स फॉर हिमसेल्फ। ओके, कोटेशन थोड़ा सा लंबा है इसलिए दोबारा मैं आपको पढ़ रहा हूं, आपके सामने वैसे बोर्ड पे लिखा ही है और टेक्स्ट बुक में भी बेसिकली है वो, के one man can be free if he respects another's freedom with same degree as he desires for himself। मतलब ये है कि इंसान अपने खुद के लिए जितना फ्रीडम की एक्सपेक्टेशन रखता है कि मुझे इतना फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है, उसी तरह से वो सामने वाले इंसान का भी, सामने वाले इंसान के फ्रीडम का भी अगर वो रिस्पेक्ट करता है तभी वो पूरी तरह से फ्री हो सकता है। फिर अगर कोई इंसान ऐसा चाहता है कि नहीं मुझे अनलिमिटेड फ्रीडम मिले लेकिन सामने वाले को इतना फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए, राइट, इन केस इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रीडम दैट मींस यू आर नॉट फ्री, क्योंकि फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं है। ओके, आपको जितना फ्रीडम मिलता है उतना ही फ्रीडम सामने वाले को मिलता है, और उस बात का, उस सिचुएशन का अगर आप रिस्पेक्ट करते हो only then you are morally free within yourself, otherwise freedom aapko bhi nahi mil sakta hai. Why? Because on one hand, in case if you are enjoying unlimited freedom and then after if you see the other people enjoying the equal amount of freedom, then you will be bounded, you will be surrounded with the negativity of hatred and prejudice, और उसकी वजह से आपको जो फ्रीडम मिलता है उस पे आप खुद ही रोक लगा रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो जो फ्रीडम आप खुद एंजॉय कर सकते हो आराम से वो आप खुद एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी है सामने वाले के, कि जितना फ्रीडम आपको मिलता है वो सामने वाले को मिले वो आपको मंजूर नहीं है, तो वो धीरे धीरे नेगेटिविटी का जो एक फीलिंग है वो सेंस है वो आपके दिमाग में आ जाता है, right? So such type of different and very very important concepts he has explained during this lesson. ठीक है, उनके जो full autobiography है उसमें तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया है. Okay, and somewhere he has also written about the childhood के जब वो छोटे थे, as a child
ओके तो उनके दिमाग में जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही लिमिटेड था कि गांव में रहते थे और जो मर्जी चाहे वो एक्टिविटी कर सकते हैं, खेतों में घूम सकते हैं, दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, ठीक है, वैसा उनका फ्रीडम का कॉन्सेप्ट था। बट दैट कॉन्सेप्ट वाज वेरी लिमिटेड एज ही ग्रू अप टू द एज ऑफ टीनेज। टीनेजर्स की एज तक पहुंचते पहुंचते उनको धीरे धीरे पता चला कि उनके देश में उनकी जो कम्युनिटी है, ब्लैक कम्युनिटी, वो काफी हद तक सफर कर रही है, किसी को कोई फ्रीडम नहीं है। और उन्होंने ये भी फील किया कि उनके खुद के फ्रीडम के ऊपर रोक लगाई जा रही है। एंड दैट वॉज बेसिकली द रीजन वाई ही स्टार्टेड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द वाइट रूल, ठीक है। तो तब से लेकर जब तक उनको जेल की सजा हुई तब तक उन्होंने बहुत ही वेलियंटली डिस्क्रिमिनेशन के सामने फाइट किया, राइट, एंड ही इज फीलिंग प्राउड ऑफ हिज ब्लैक कम्युनिटी वेयर एवर इट लिव्स इन द एंटायर वर्ल्ड। ब्लैक कम्युनिटी आपको शायद मालूम ही होगा कि देश के काफी वर्ल्ड के काफी सारे देशों में वो रहती है, सिर्फ यहाँ में बात सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं है। ब्लैक कम्युनिटी इज अ रेसिडेंट ऑफ सो मैनी डिफरेंट कंट्रीज। तो उन्होंने साथ में मिलके जिस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल प्राप्त करने का कोशिश किया था, जो फाइट किया था वाइट अपार्थाइड के सामने, ठीक है, उनके ऊपर उनको प्राउड है। और ये लेगेसी जो उनको मिला है, उनके पहले जो कोई भी फ्रीडम फाइटर्स आए थे, जो सारे रेवोल्यूशनरीज आए थे, क्रांतिकारी लोग आए थे, ठीक है, उनकी ओर से नेल्सन मंडेला को जो नया लेगेसी मिला है उनके ऊपर भी ये प्राउड करते हैं, ओके। और क्योंकि अब ये एक प्रेसिडेंट बन रहे थे, यानी हम 1994 की बात कर रहे हैं, एट द टाइम ही वाज बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, सो इन फ्रंट ऑफ द लार्ज गैदरिंग ऑफ द पीपल ही ऑल्सो मेक्स इट वेरी वेरी क्लियर के एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री उनका प्रोपेगेंडा क्या होगा। तो सबसे पहले वो गरीबी हटाएंगे, ओके, और एक ऐसे कंट्री की स्थापना करेंगे, एक ऐसे कंट्री में एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां पे सारे लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, और कोई भी इंसान जो है उनके जीवन में बेसिक लेवल का जो एक हैप्पीनेस है वो मेंटेन रहे और उनको कोई तकलीफ ना हो, वैसा प्रोपेगेंडा उनकी गवर्नमेंट का रहेगा, वो ऐसा सक्सेसफुली लाइक इस तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। सो ही क्लियरली डिक्लेयर्स दीज थ्री प्रोपेगेंडास इन फ्रंट ऑफ द लार्ज गैदरिंग। और उसके बाद आने वाले सालों में, यानी टिल 1999, टिल व्हेन ही रिमेंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्हीं प्रोपेगेंडा के ऊपर उन्होंने काम किया और उनको पूरे वर्ल्ड से बहुत सारा रिस्पेक्ट मिला। Okay, so that was all about this chapter. Okay, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. ये chapter का इतना summary जो है, वो यहाँ पे मैं finish करता हूँ. Now I would strongly recommend you to read this entire lesson for 2 or 3 times at least from your textbook. और इस lecture को यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ. और इसके साथ जो आपके NCERT notes हैं, वो भी आपको लेक्चर के बाद सेंड किए जाएंगे, ओके। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू पुट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।